हेलो गाइज, वेलकम बैक टू चैनल। माय नेम इज राजीव रंजन एंड यू आर वाचिंग डाइवर्सन माइंड। गाइज, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ आपके फेवरेट टॉपिक। जी हाँ गाइज, आप में से बहुत सारे लोग कमेंट करते रहते हो कि भाई अभी एविएशन सेक्टर क्या ग्रोथ कर रहा है, क्या अभी एविएशन में आना सही है, क्या एविएशन में एमी कोर्स करना या पायलट कोर्स करना या कोई भी कोर्स करना सही है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको फुल इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि क्या सच में 2022 में एविएशन ग्रो कर रहा है या डाउन जा रहा है। जो हमारा एयरलाइंस है, जो इंडियन एविएशन सेक्टर है, आज के इस वीडियो में मैं बहुत सारे डाटा बताऊंगा आपको, ताकि आपको पता चले कि हमारा रियली में एविएशन सेक्टर डाउन जा रहा है या ग्रोथ कर रहा है, ताकि आपको थोड़ा सा लगे कि हाँ एविएशन में इस वक्त आना चाहिए, एविएशन फील्ड में उतरना चाहिए या कोई और चीज करना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपके साथ, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो अगर आप चैनल पर नए हो और चाहते हो इसी तरह से एविएशन से रिलेटेड, एमी से रिलेटेड, पायलट से रिलेटेड, जॉब वैकेंसी से रिलेटेड और इस तरह के इन्फॉर्मेटिव अपडेट से रिलेटेड, जेट एयरवेज से रिलेटेड वीडियो टाइम टू टाइम देखना, प्लीज रिक्वेस्ट है चैनल पे सब्सक्राइब कर लो। बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना बहुत जरूरी है, बिकॉज वही आपको नोटिफाई करता है कि मेरा वीडियो रिलीज हो चुका है। सो कम ऑन, लेट्स स्टार्ट द वेरी इंपॉर्टेंट, एक्साइटिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो। सो गाइज, आप लोग का सस्पेंस को तोड़ते हुए मैं सीधा आपको बता देता हूँ कि एविएशन सेक्टर अभी ग्रोथ कर रहा है। बट आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो पूछेंगे भाई कैसे ग्रो कर रहा है, आपके पास क्या प्रूफ है, क्या डाटा है जिससे ये पता चले कि हाँ ग्रो कर रहा है। तो वही डाटा आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। और गाइज, मेरे पास जो भी डाटा है, जो भी सोर्स है, वो इसके जस्ट पिछले वाले मंथ यानी कि अप्रैल 2022 का डाटा मेरे पास है, उससे हम लोग एनालिसिस करेंगे कि क्या सच में एविएशन ग्रोथ कर रहा है। सो गाइज, अगर बात करें सोर्सेज की, तो सोर्सेज से पता चला है कि करीब 1.8 करोड़ जो डोमेस्टिक पैसेंजर्स हैं, यानी कि अगर इंटरनेशनल पैसेंजर्स को छोड़ दिया जाए, जो इंडिया में ही मुंबई से दिल्ली, दिल्ली से कोलकाता, कोलकाता से बैंगलोर, बैंगलोर से यानी कि अपने ही देश में ट्रैवल कर रहे हैं, उसको बोलते हैं डोमेस्टिक ट्रैवल। तो जो डोमेस्टिक ट्रैवल का जो डाटा है वो 1.8 करोड़ निकल के सामने आ रहा है, और ये डाटा सिर्फ और सिर्फ पिछले मंथ यानी कि अप्रैल का है, जो कि 2% ज्यादा है मार्च से। तो इससे क्लियर यहाँ तक तो पता लगता है कि हाँ, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है, जैसे जैसे जो कोरोना का इम्पैक्ट है वो कम हो रहा है, वैसे वैसे लोग ट्रैवल करना शुरू कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाना पसंद कर रहे हैं। लोगों के मन में अब डर नहीं है कि भाई मैं जाऊंगा तो मुझे कोरोना हो जाएगा या ये, अब कुछ डर नहीं है। इसलिए धीरे 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 डाटा जो है वो ग्राफ ऊपर आ रहा है। तो मार्च में 2% कम था और अप्रैल में जो डोमेस्टिक पैसेंजर है वो ज्यादा हो गया। तो ऑब्वियसली जो एविएशन है या ऐसा कोई भी सेक्टर जो पब्लिक के ऊपर है, यानी कि इसको बोलते हैं सिविल, तो हमारा एविएशन तभी ग्रोथ करता है जब पैसेंजर्स अट्रैक्ट होते हैं, जब पैसेंजर ट्रैवल करते हैं, बिकॉज एविएशन टोटली डिपेंडेंट है आपके ऊपर, यानी कि पैसेंजर्स के ऊपर। पैसेंजर्स ज्यादा तो एविएशन में ग्रोथ, कंपनी का ग्रोथ, ऑब्वियसली आपका सैलरी में ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ, तो सारा कुछ डिपेंड है पब्लिक के ऊपर, जो कि ये डाटा कहता है कि अभी ग्रोथ कर रही है इंडियन एविएशन सेक्टर। बट अभी खत्म नहीं हुआ डाटा, अभी और भी बहुत सारा चीज आपको बताना बाकी है जो कि आपको क्लियर कर देगा कि हाँ सच में एविएशन ग्रोथ कर रहा है। सो गाइस, बात कर लेते हैं अपने सबसे इंपॉर्टेंट डाटा जो है लोड फैक्टर, यानी कि कौन कौन से एयरलाइंस में कितना लोड फैक्टर हुआ है, इसका डाटा मेरे पास है, तो मैं आपको बता देता हूँ। तो अगर बात करें लोड फैक्टर की अप्रैल 2022 का, तो द लोड फैक्टर ऑफ स्पाइस जेट, इंडिगो, विस्तारा, गो फर्स्ट, एयर इंडिया एंड एयर एशिया वेयर 85.9% जो कि स्पाइस जेट का है, 78.7% जो कि इंडिगो का है, 82.9% जो कि विस्तारा का है, 80.3% जो कि गो फर्स्ट का है, 79.5% जो कि एयर इंडिया का है एंड 79.6% जो कि एयर एशिया का है। सो गाइस, सबसे ज्यादा जो लोड फैक्टर रहा वो स्पाइस जेट का रहा। सो गाइस, ये था एक पॉइंट जिससे क्लियर पता चल रहा है कि जो हमारा एविएशन सेक्टर है वो ग्रोथ कर रहा है। बात कर लेता हूँ सेकंड ऐसा फैक्टर, कितने पैसेंजर्स कौन कौन से एयरलाइंस से, यानी कि गो एयर से, विस्तारा से, यानी कि इंडिया में जितने भी एयरलाइंस है उसे कितना पैसेंजर ट्रैवल किया है और वो पर्टिकुलर एयरलाइंस कितना पैसेंजर को हैंडल किया है। तो मैं आपको टोटल बताया कि 1.08 करोड़ पैसेंजर्स को हैंडल किया है। तो इसमें से कौन कौन सा कंपनीज कंट्रीब्यूट किया है, कौन कौन से एयरलाइंस कंट्रीब्यूट किया है, आइए वो भी देख लेते हैं। सो गाइस, बात करें अगर इंडिगो की, जी हाँ, इसमें इंडिगो टॉप पे है, क्योंकि लार्जेस्ट कैरियर है, डोमेस्टिक कैरियर है इंडिया का, जो कि 64.11 लाख पैसेंजर्स को हैंडल किया है इन अप्रैल 2022। जी हाँ, मैं पिछले का बात नहीं कर रहा हूँ। और गाइस, ये जो इंडिगो है यानी कि इंडिगो एयरलाइंस है, वो भी करंट में 58.9% डोमेस्टिक मार्केट पे कब्जा किया हुआ है। तो इंडिगो तो हमारा टॉप पे है ही, बट इसके साथ ही साथ जो गो फर्स्ट है, जिसका पहले नाम था गो एयर, और ये करीब 11.9 लाख पैसेंजर का हैंडलिंग किया है। वही अगर बात करें स्पाइस जेट का, तो 10.01 लाख पैसेंजर्स का हैंडलिंग किया है। एयर इंडिया जो कि 8.26 पैसेंजर इससे फ्लाई किए हैं। विस्तारा जो कि 9.04 लाख
पैसेंजर इसे ट्रैवल किए हैं, एयर एशिया जो कि 5.92 पैसेंजर्स इसे फ्लाई किए हैं। तो ये था टॉप टू बॉटम का एयरलाइंस का रैंकिंग, किससे कितने पैसेंजर्स ट्रैवल किए हैं। तो सबसे ज्यादा इंडिगो और सबसे कम जो पैसेंजर ट्रैवल किया है वो एयर एशिया। सो गाइस, जितने भी डाटा है ये प्रूफ करते हैं कि जो हमारा एविएशन सेक्टर है वो डेफिनेटली ग्रो कर रहा है। और आप में से जो लोग पूछते हैं कि क्या एविएशन ज्वाइन करना चाहिए 2022 में, क्या आगे फ्यूचर है, क्या स्कोप है, तो गाइस मैं डेफिनेटली कहता हूँ कि जी हाँ फ्यूचर है, बट कोविड जैसा पैंडेमिक नहीं आना चाहिए। यानी कि ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए जिससे पब्लिक को इफेक्ट हो। तो अगर पब्लिक को इफेक्ट होगा तो एविएशन को इफेक्ट होगा, ये बहुत ही कॉमन है। तो आप लोग ये प्रे करो कि पब्लिक जो है वो भगवान के समान है जो हमेशा ऐसे ही फ्लाई करते रहे और एविएशन कंपनीज को प्रॉफिट देते रहे। तो आप में जिनका भी डाउट था, जो इंस्टाग्राम में पूछ रहे थे कि क्या भाई एविएशन में ज्वाइन करना चाहिए, एमी कोर्स करना चाहिए, पायलट करना चाहिए, केबिन क्रू बनना चाहिए, तो जी हाँ डेफिनेटली बनना चाहिए। अगर आपका पैशन है, अगर आपका इंटरेस्ट है, तो आप पीछे ना मुड़े, आप इसमें जम के मेहनत करें। सो गाइस, ऐसा करता हूं कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो, आज का वीडियो मोटिवेटिंग लगा हो, आप में जो लोग भी जानना चाह रहे थे कि एविएशन का क्या अभी चल रहा है, तो इसी तरह से अगर आप चाहते हो कि एविएशन से रिलेटेड डेली अपडेट देखना, प्लीज रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हो तो। जिसने सब्सक्राइब किया है वो लाइक भी कर देना, और जो इसको वीडियो अच्छा लगा हो भी लाइक कर देना। और गाइस यस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, कुछ समझ में नहीं आया है जो मैं कहा हूं इस वीडियो में, प्लीज आप फ्री हो मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो करने के लिए। जो इंस्टाग्राम का आईडी है वो यहां पर, इंस्टाग्राम का लिंक है डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाकर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरीज हो, जेन्युइन क्वेश्चन, आप वहां पे पूछ सकते हो और कमेंट बॉक्स में तो आप पूछ सकते हो। तो चलिए मिलते हैं किसी ने और एक्साइटिंग वीडियो में। टिल देन डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, डू डबल, बट प्लीज डोंट ट्रबल एनीबॉडी। बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू। जय हिंद।